राजवीर जनहित संघटना के संस्थापक अध्यक्ष अहमद खान उर्फ रम्मू के नेतृत्व में आज फिर मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के कक्ष में दस्तक देते हुए मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के अलावा शहर भर में बढ़ रहे डेंगू के प्रमाण को लेकर मनपा आयुक्त का घेराव किया। इस वक्त मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े तथा आरोग्य अधिकारी सीमा नेताम को राजवीर संघटना के संस्थापक अध्यक्ष अहमद खान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के समक्ष घेराव कर बताया कि मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के लालखड़ी परिसर, रहमत नगर, छाया नगर, पठान चौक, कमेला मैदान, सागर नगर, कबीर नगर, हेडो, प्यारे आलम नगर, रोशन नगर, हाजरा नगर, बिस्मिल्लाह नगर, यास्मीन नगर, गिलिस्ट नगर, नूर नगर, हबीब नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, वाहिद नगर के अलावा कैंप परिसर के चिलम छावनी, बिच्छू, टेकरी, इनकायापुरा के अलावा कोंगारपुरा, खुर्शीदपुरा के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में डेंगू का प्रमाण बढ़ चुका है। इसका एकमात्र कारण यह है कि मनपा आरोग्य विभाग के साफ सफाई कर्मचारी अपने कामों में लापरवाही बरतते हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। इसी के साथ अभी बारिश का मौसम शुरू रहने के कारण परिसरों की नालियों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण डेंगू मच्छरों का प्रमाण बढ़ जा रहा है। इसी के अलावा रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे रहने के कारण उन गड्ढों में भी बारिश का पानी जमा होने के कारण डेंगू मच्छरों का प्रमाण काफी जोरों पर बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के विविध क्षेत्रों में डेंगू के कहर से हर कोई नागरिक परेशान है। जीत का ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है। इन गरीब बस्तियों में यदि डेंगू का प्रमाण बच्चों में पड़ गया तो उनके इलाज हेतु उनके परिवार वालों के पास आर्थिक व्यवस्था भी नहीं है। राजवीर संघटना के रहमत खान ने मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के वर्तमान नगर सेवक को एवं स्वयं घोषित विविध पार्टी के छूट भाया कार्यकर्ताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुस्लिम परिसर के विविध वार्ड की जनता के वोटों से चुन कर आने वाले वर्तमान नगर सेवकों ने तथा स्थानीय कुछ स्वयं घोषित मुस्लिम समाज की जनता का हमदर्द बताकर नेतागिरी करने वालों ने मुस्लिम समाज को इस संकट के समय में ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। आज मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर में मुस्लिम समाज की समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं है। जिसे देखा जाए वे आगामी मनपा के चुनाव की सोच में डूब चुका है। पहले कोरोना वायरस से परेशान मुस्लिम समाज, जिसके बाद बारिश के मौसम में कच्ची नालियों की परेशानी से निजात नहीं मिली, कच्चे रास्तों की परेशानी, कचरे की गंदगी से परेशान, अब डेंगू की बीमारियों की परेशानी झेल रहा है। इस बात को देख राजवीर जनहित संघटना के अध्यक्ष अहमद खान ने मुस्लिम समाज की एवं संपूर्ण शहर की जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मनपा आयुक्त एवं आरोग्य अधिकारी सीमा नेताम से चर्चा कर डेंगू का बढ़ता प्रमाण को रोकने के लिए उपाय योजना तैयार करने एवं मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फवरणी छिड़काव करने की मांग की। इसके अलावा मनपा आयुक्त एवं आरोग्य विभाग ने शीघ्र ही मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के नागरिकों को डेंगू से राहत नहीं दिलवाई तो किसी भी समय महानगर पालिका के जवाबदार अधिकारियों की खुर्ची फेंको आंदोलन किया जाएगा। इस समय मोहम्मद जावेद, वसीम खान, फहीम खान, इसराइल शेख, सैयद इमरान दबंग, अफसार खान, बबलू खान, रिजवान खान उर्फ रिजु, मोबिन खान, जाबिर अली, खेम कुरैशी, यूसुफ खान, महमूद खान, सोहेल खान, आसिफ खान, मोहम्मद शाकिर, सुमित मानकर, अजय तायडे, विशाल तायडे, प्रमोद बनछोड़, अजय बांगडे, नासिर शाह इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता। मैं राजवीर जनहित संगठन का संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान प्रमुख, आज माननीय आयुक्त साहब महानगर पालिका प्रशांत रोड़े साहब को हमने निवेदन दिया और निवेदन के अंदर में उल्लेख किया गया है कि जो अमरावती शहर के मुस्लिम पश्चिम परिसर में और पूरे संपूर्ण शहर के अंदर में डेंगू का प्रमाण बढ़ गया है। डेंगू का प्रमाण बढ़ने के कारण मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के अंदर में छोटे छोटे बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। रोजाना साफ सफाई नहीं हो रही, फवारनी के छिड़काव नहीं हो रहा है। आरोग्य विभाग अपने हठधर्मी पे पड़ा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज महानगर पालिका आयुक्त प्रशांत रोड़े साहब से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने हमें सकारात्मक जवाब दिया कि इसके अंदर में तुरंत ही कार्रवाई की जाएंगी। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है और मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के अंदर में सुविधाएँ नहीं दी जाती है, फवारनी का छिड़काव नहीं हो जाता है, तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे और मनपा के अधिकारियों का, आयुक्त का खुर्ची फेंको आंदोलन किया जाएगा।